दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही हैं। दोस्तों इस तरह की अपडेट हम आपको देते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चले चलते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली अपडेट निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के श्योपुर से। पुरानी पेंशन बहाली के लिए विचार विमर्श, दो को होगी बैठक। पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रही NMOPS के पदाधिकारियों ने रविवार को बैठक आयोजित कर विचार विमर्श किया। इस दौरान 2 अक्टूबर को श्री हजारेश्वर पार्क में बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। संगठन के जिला अध्यक्ष रामचरित रावत ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदेश स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर हर जिला मुख्यालय पर बैठक आयोजित कर कर्मचारियों को संगठन की कार्य योजना से अवगत कराना है। इस क्रम में श्री हजारेश्वर में बुधवार को दोपहर 3 बजे बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सभी कर्मचारियों से शामिल होने की अपील संगठन ने की है। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। 2 तारीख को बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश के श्योपुर के रहने वाले हैं और OPS को सपोर्ट करते हैं तो आपको इस बैठक में जरूर हिस्सा लेना चाहिए, जिससे कि सरकार को आपकी ताकत का एहसास हो सके। चलिए चलते हैं आज के अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट निकल कर आ रही है राजस्थान के ढोलपुर से। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन की रूपरेखा बनाई। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की जिला कार्यकारिणी, उपशाखा अध्यक्ष, मंत्री एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक। विभाग संगठन मंत्री हरिशंकर शर्मा के मुख्य आतिथ्य व पूर्व जिला अध्यक्ष देवेश प्रसाद शर्मा की अध्यक्षता एवं जिला संगठन मंत्री गोविंद प्रसाद शर्मा पर्यवेक्षक की देखरेख में आदर्श विद्या मंदिर हाउसिंग बोर्ड में आयोजित की गई। इस अवसर पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर चर्चा की गई तथा नई रणनीति तैयार कर प्रदेश स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई। जिला संगठन मंत्री गोविंद प्रसाद शर्मा ने बताया कि संगठन प्रदेश स्तर पर नई पेंशन योजना को समाप्त करवाने एवं पुरानी पेंशन योजना लागू करने, सामंत कमेटी को सार्वजनिक करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार कर जल्द ही प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। दोस्तों देश के अलग अलग राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए, आप लोग कौन सी पेंशन स्कीम को सपोर्ट करते हैं, पुरानी पेंशन स्कीम या फिर नई पेंशन स्कीम? कमेंट बॉक्स में आके लिखिए OPS या फिर NPS। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।